गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। शिप्स स्टील के बने होते हैं, काफी भारी होते हैं, उसके बावजूद वो पानी में आराम से तैर लेते हैं। जबकि सुई या नीडल, वो भी सेम स्टील की बनी होती है, वो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में इमर्स होती है, किसी बॉडी को अगर बात करें स्पेसिफिकली फ्लूइड की, तो मैं पानी बोलता हूं। अगर किसी बॉडी को पानी में इमर्स किया जाता है, तो वो बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। जब उसको पानी में डुबोया जाता है, तो अपवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। उस अपवर्ड फोर्स का नाम बायोन फोर्स कहलाता है। जबकि बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, धरती उसको नीचे की तरफ खींच रही है, पानी के अंदर जो फोर्स है बॉयंट फोर्स, वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देती है। जब बॉडी पानी में इमर्स की जाती है, तो कुछ पानी का लेवल राइज होता है, कुछ पानी डिस्प्लेस होता है। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, जितनी वॉल्यूम उसकी डिस्प्लेस हुई, उसका जो वेट है वो बॉयंट फोर्स कहलाता है। बॉयंट फोर्स को अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होगा वो बॉयंट फोर्स कहलाएगी। हमें पता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मास को हम प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इस केस में जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो बॉयंट फोर्स हो गई वो प्रोडक्ट हो गई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बॉडी पानी में तैरेगी, तैरेगी तो कितना पोर्शन उसका पानी के ऊपर होगा, कितना नीचे होगा, कब वो डूबेगी, ये डिपेंड करता है कि बायंट फोर्स कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द बॉडी। अगर बायंट फोर्स ज्यादा है, जितना बॉडी का वेट है उससे ज्यादा बायंट फोर्स लग रही है, ऊपर की अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी और कुछ हिस्सा उसका पानी के ऊपर होगा, कुछ हिस्सा पानी के नीचे होगा। वो कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द बॉडी, द बॉडी विल फ्लोट विद सम पार्ट अबव द वाटर सरफेस। अगर बॉयंट फोर्स कम है वेट ऑफ द बॉडी से, तो बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगी पानी के अंदर। जबकि तीसरे केस में अगर बॉयंट फोर्स बॉडी के वेट के बराबर है, तो जो बॉडी है पानी के अंदर पूरा जाएगी और पर वो फ्लोट करेगी। द बॉडी विल फ्लोट होल इस बॉडी इज इन द वॉटर। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, बायंट फोर्स और वेट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। वेट ऑफ द बॉडी भी एक फोर्स है, बायंट फोर्स भी एक फोर्स है। वेट नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अगर मैं बायंट फोर्स की बात करूं, तो ये प्रोडक्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि वेट ऑफ द बॉडी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो इस केस में वेट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों केसेस में, दोनों फोर्सेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन है, तो उसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास जो वेरिएबल बचे वो वॉल्यूम एंड डेंसिटी बची। किसी भी बॉडी का कितना हिस्सा बाहर रहेगा पानी के, कितना अंदर रहेगा, अगर वो पूरी डूबेगी या तैरेगी, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज इमर्स्ड इन द वॉटर डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी की डेंसिटी अगर 1000 केजी पर मीटर क्यूब है और बॉडी की डेंसिटी है 500 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये फ्लोट करेगा। अब कितना हिस्सा इसका पानी के अंदर रहेगा वो डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी पर। बॉडी की डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब है, यानी कि 50% पोर्शन इसका पानी के अंदर रहेगा और 50% पानी के ऊपर रहेगा। अगर इसकी डेंसिटी 600 केजी पर मीटर क्यूब होती, तो 60% पानी के अंदर होता, 40% ऊपर होता। अगर इसकी डेंसिटी 700 केजी पर मीटर क्यूब होती, तो 70% इसका हिस्सा पानी के अंदर होता, 30% इसका पानी के ऊपर होता। तो डेंसिटी हमें बता देती है कि कितना पोर्शन, कितनी वॉल्यूम बॉडी की ऊपर रहेगी पानी के, कितनी नीचे रहेगी। अब बात करते हैं, जब बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी की डेंसिटी 1500 केजी पर मीटर क्यूब है, जबकि पानी की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, इस केस में बॉडी सिंक कर जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से। अब बात करते हैं, जब बॉडी की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी दोनों बराबर है,
दोनों की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, उस केस में 100% बॉडी का जो पोर्शन है विल बी इन वाटर, पर वो तैरेगा। तो इस तरीके से डेंसिटी बता देती है कितना हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, कितना पानी के ऊपर रहेगा, बॉडी फ्लोट करेगी या डूबेगी। अब हम बात करते हैं शिप्स की जो कि स्टील के बने होते हैं और स्टील की डेंसिटी 8000 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, यानी कि पानी की डेंसिटी से 8 गुना ज्यादा, बावजूद इसके कि शिप्स पानी में तैरती हैं। स्टील की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब इसको पानी में डूब जाना चाहिए, पर उसके बावजूद भी शिप्स पानी में तैरते हैं, ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे पास एक स्टील शीट है, कुछ इस तरीके से आपके सामने है। इसकी जो थिकनेस है दैट इज 0.5 मिलीमीटर, बाकी जो डायमेंशन है वो आपके सामने। इसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है 0.5 mm, हम इसका पहले सबका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे, फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास स्टील की वॉल्यूम आ जाएगी। ये जो हमारे सामने शीट है इसकी डायमेंशन है कुछ इस तरीके से है। इसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और ये 8 सेंटीमीटर विड्थ ले लीजिए। साइड के पार्ट्स है इसकी 1 सेंटीमीटर है ईच, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बीच के हिस्से का निकालूं तो 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसकी जो वॉल्यूम होगी इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली साइड के जो पार्ट्स हैं उसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, वॉल्यूम निकालेंगे तो इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थिकनेस पूरी यूनिफॉर्म है इसलिए हमने डी ले लिया, डी की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है। सिमिलरली ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ मैं। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे इसकी टोटल वॉल्यूम निकालनी है तो मैं इसकी थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। थिकनेस यूनिफॉर्म है 0.05 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे अब जो वॉल्यूम आ गई दैट इज 5.8 सेंटीमीटर क्यूब। जो मेरे सामने शीट है स्टील की उसकी वॉल्यूम है 5.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसकी शेप को थोड़ा चेंज करता हूँ, ये जो साइड के पार्ट्स हैं इनको हम फोल्ड करते हैं। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, इनको फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप मुझे देखने को मिलेगी। ये देखिए अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप हो गई जिसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है। अगर इसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज में तो स्टील है ऑब्वियसली, इसकी जो जिसकी हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं 5.8 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है, जो अंदर का जो एनक्लोज्ड पोर्शन जो बन गया है उसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो ये जो रेक्टेंगुलर फिगर हमारे सामने आई, अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा साइड के पोर्शन की जिसमें स्टील है उसकी तो वॉल्यूम निकाल चुके हैं, अगर मैं पूरी वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे इस हिस्से की जो हिस्सा खाली जिसमें हवा भरी हुई है उसकी भी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। जहां पे हवा भरी हुई है उसकी वॉल्यूम कुछ किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम इन विच एयर इज ट्रैप्ड 80 सेंटीमीटर क्यूब। जहां पे हवा भरी हुई है उसकी वॉल्यूम आ गई 80 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो साइड के हिस्सा है जिसकी थिकनेस 0.5 mm है उसकी वॉल्यूम है 5.8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं अब टोटल वॉल्यूम निकालू, वॉल्यूम ऑफ स्टील प्लस वॉल्यूम इन विच एयर इज ट्रैप्ड, इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉडी की अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूंगा तो किस तरीके से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टील प्लस वॉल्यूम इन विच एयर इज ट्रैप्ड 5.8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 80 सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरी टोटल वॉल्यूम आ गई 85.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको प्रोपोर्शन में देखते हैं, 85.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हिस्सा स्टील का है और कितना हिस्से में एयर ऑक्यूपाइड है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील इन टोटल वॉल्यूम वुड बी 5.8 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि है 85.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं परसेंटेज में देखता हूं कितने प्रोपोर्शन है, तो 7% टोटल वॉल्यूम का 7% स्टील की वॉल्यूम है, और उसी तरीके से टोटल वॉल्यूम का 93% एयर की वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम में मुझे पता लग गया 7% स्टील है 93% एयर है।
अब ये रेक्टेंगुलर फिगर है, इसमें 7% वॉल्यूम स्टील की है, 93% वॉल्यूम एयर की है। अब हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी में एयर की डेंसिटी भी देखी जाएगी और स्टील की डेंसिटी भी देखी जाएगी। तो उसकी वेटेड एवरेज डेंसिटी हम निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर बॉडी की जिसके अंदर हवा ट्रैप्ड है। स्टील की डेंसिटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज 8000 केजी पर मीटर क्यूब, एयर की डेंसिटी है 1 केजी पर मीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी किस तरीके से होगी, जितना प्रोपोर्शन उनका वॉल्यूम का है उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने देखा स्टील 7% है टोटल वॉल्यूम का, 7% इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील दैट इज 8000 केजी पर मीटर क्यूब प्लस 93% टोटल वॉल्यूम का, 93% एयर की वॉल्यूम है, 93% इनटू डेंसिटी ऑफ एयर 1 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी एवरेज डेंसिटी, वेटेड एवरेज डेंसिटी आ जाएगी 560.93 केजी पर मीटर क्यूब, 560.93 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि कम है पानी की डेंसिटी से। पानी की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ये पानी में, ये रेक्टेंगुलर बॉडी पानी में तैरेगी, स्टील की बनी हुई है पानी में तैरेगी। क्यों तैरेगी, क्योंकि इसने अपने अंदर इस तरीके से शेप बन गई, इसके अंदर इसने अपने अंदर हवा को ट्रैप कर लिया, एक ऐसा एनक्लोज्ड वॉल्यूम बना लिया जिसकी वजह से हवा इसके अंदर आ गई और जिसकी वजह से इसकी वेटेज एवरेज डेंसिटी कम हो गई पानी की डेंसिटी के मुकाबले। कितना हिस्सा पानी में अंदर रहेगा, कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा, 56% वॉल्यूम इसका पानी के अंदर रहेगा अप्रोक्सीमेटली और 44% हिस्सा इसका पानी के ऊपर। तो यही इसी प्रिंसिपल के बेस पर जो शिप्स हैं उनका जो हल है, उनका जो ढांचा है वो कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है। उसका साइड का स्ट्रक्चर तो आयरन और स्टील का होता है, लेकिन जो अंदर हॉलो सरफेस होता है उसको वाटर टाइट, हवा उसके अंदर रहती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल वेटेज डेंसिटी होती है शिप के हल की दैट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से शिप स्टील का बना होने के बावजूद भी पानी में तैरता है। जबकि नीडल के केस में ऐसी कोई हवा उसमें ट्रैप नहीं होती, ऐसा कोई फिगर नहीं बनता जिससे वो हवा को ट्रैप कर सके, जिससे उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो सके। नीडल में जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी या वेटेड एवरेज डेंसिटी, वो स्टील की 100% स्टील ही रहता है, जो कि 8000 ही रहती है, 8000 केजी पर मीटर क्यूब, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई शिप्स मेड ऑफ स्टील व्हिच हैज डेंसिटी ऑफ 8000 केजी पर मीटर क्यूब स्टिल फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, उनका हल, जो सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम एयर को स्टोर कर सकें, एनक्लोज कर सकें, जिससे उसकी वेटेड एवरेज डेंसिटी कम हो जाए पानी से और पानी में तैर सके। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज फ्लोटिंग एंड 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अबव द वाटर सरफेस। आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है जो कि फ्लोट कर रही है और 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अबव द वाटर सरफेस। पानी की डेंसिटी आप 1000 केजी पर मीटर क्यूब ले सकते हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।